एक पिता जिन्होंने बहुत दौलत और शोहरत कमाई, मृत्यु का वक्त नजदीक आए, बेटे के नाम सारी दौलत की वसीयत बनाते वक्त उसने पिता को बेटे को यह भी कहा कि बेटा जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो मेरे पैरों में मेरे ये फटे हुए मोजे जरूर पहना देना, मैं इसे पहनकर ही जाना चाहता हूं, ये मेरी आखिरी इच्छा है, ये समझकर इसे पूरा कर देना। पिता के मृत्यु के बाद बेटे ने नहलाने के बाद पंडित जी से पिता की आखिरी इच्छा बताई। पंडित जी ने कहा कि हमारे धर्म और शास्त्रों में कुछ भी पहनाने की इजाजत नहीं है। बहस इतनी बढ़ गई कि शहर के पंडितों, मुल्ले, मौलवियों सब लोगों को इकट्ठा किया गया, हर धर्म के लोगों को, भाई इसका क्या इलाज करें, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि मुस्लिम लोगों ने कहा कि कफन के जेब नहीं होती है और हमारे धर्म में तो आपको बताइए कुछ भी साथ नहीं जाता है। उसी मोहल्ले से एक व्यक्ति आता है और वो आकर बेटे के हाथ में एक पिता का लेटर देता है। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, देख रहे हो, दौलत, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, फार्म हाउस, क्या नहीं है तुम्हारे पास, और ये सब कुछ हमने पाया है और मैं तुझे देकर गया हूं। मैं एक फटा हुआ मोजा भी आज नहीं लेकर जा सकता हूं। एक रोज तुम्हें भी मृत्यु आएगी, तुम्हें भी एक सफेद कपड़े में जाना होगा। कोशिश करना कि पैसों के लिए किसी को दुख मत देना। शरीर छूटने के बाद सिर्फ कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, इसीलिए सदकर्म करते सभी लोगों को सहायता करते रहना। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली, ग्रहों का खेल कार्यक्रम के आज का राशिफल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के साथ ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं उन सभी प्रियजनों को जिनका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, स्पेशल डे है। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि और नाम की राशि पर आधारित, उसे वैसे ही देखने का प्रयास करें। चंद सेकंड हमेशा की तरह आज के पंचांग और आज की कुंडली पर मैं देना चाहूंगा। यह राशिफल आप 17 अगस्त सोमवार का देख रहे हैं। आज दोपहर को 12:35 तक त्रयोदशी और बाद में चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज सुबह 6:43 तक पुनर्वसु नक्षत्र और फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा, जो कि बहुत पुण्य है। आज भी ग्रहों से बनने वाले वाशी और सुनफा योग का साथ मिलेगा। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग, मिथुन, कन्या, धनु और माफ करिएगा, एक रोचक योग भी बन रहा है, ये याद रखिएगा। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग और रोचक योग का साथ मिलेगा। वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो हंस योग का लाभ मिलेगा। वहीं आज भी चांडाल दोष रहेगा और सूर्य चंद्रमा का अमावस्या का दोष रहेगा। चंद्रमा आज कर्क राशि में घर वापसी कर चुके हैं, अपने घर में रहेंगे। कितना कमाल की चीज है, चंद्रमा अपने घर में, सूर्य अपने घर में, मंगल अपने घर में। आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में है तो उसे नोट करिए। सुबह 10:15 से 11:15 ये शुभ का चौघड़िया है और वहीं कोशिश करिएगा कि सुबह 7:30 से 9 तक जब राहु काल रहता है तो शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आज दोपहर 12:35 से लेकर रात को 11:37 तक स्वर्ग लोक की बद्रा रहेगी। आज बुध का परिवर्तन हो रहा है, बुध सुबह 8:28 के बाद मित्र सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे और वहां पर बुध आदित्य योग बन जाएगा। जब आप 6 राशि देख लेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, घर एक मंदिर होता है, एक परिवार जिसमें आनंद होता है वहां लड़ाई झगड़ा एक आम बात है। महल हो या झुग्गी झोपड़ी, झगड़े आम है। इस घर के विवाद को निपटाने के लिए एक आध्यात्मिक उपाय 6 राशि के बाद में बताऊंगा। प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि मूंगफली तो हम भी खाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का महाभारत के युद्ध में मूंगफली खाने का क्या राज था? आपने इसका जवाब कुछ लोगों ने सही दिया है, मैं इसका डिटेल में जवाब कार्यक्रम के अंत में दूंगा। लेकिन आज आपको ये पता लगाना है कि हम सिंदूर का, किसी का तिलक लगाते हैं, फिर चावल यानी अक्षत क्यों लगाते हैं, इस पर आप रिसर्च करिए, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा। शुरुआत मेष राशि से। भूमि और भवन के मामलों में रेनोवेशन, खरीद फरोख्त, कोई भी प्रकार का विवाद, डॉक्यूमेंटेशन आज सुलझाने का चंद्रमा आशीर्वाद दे रहे हैं। बिजनेस में आपकी आर्थिक स्थिति हल्की सी डगमगा सकती है, इसलिए पैसों की सेविंग करें, चिंता को हटाकर चिंतन करें, खर्च और कर्ज पर लगाम लगाइए। पैसों को लेकर किसी प्रकार का बतंगड़ हो सकता है, बहस हो सकती है, एक इरिटेशन हो सकता है। वर्क प्लेस पर आप कोई भी काम या कोई भी बात बहुत समझदारी से करें, क्योंकि इससे आपका, आपके ऊपर और दूसरों पर इसका असर पड़ेगा, परेशानी थोड़ी सी आ सकती है। दूसरों के साथ कम्युनिकेशन या तालमेल बनाते समय सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें।
दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं रहेगी, आपको उनके अनुसार अपने आप को ढालना है। आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आ रही समस्या को दूर करने के लिए पेरेंट्स की सलाह से लाभ मिलेगा। वाहन धीमी गति से चलाएं, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। लकी कलर क्रीम नंबर 1 शुभ रहेगा। वृषभ राशि, दोस्त यार और रिश्तेदार, मदद करना, मदद देना, एक रिश्ता बेहतर बनाना, आज चंद्रमा ये सब करवाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। बिजनेस को सट्टे बाजार जोखिम से दूर रखें, आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट पर आज नहीं ध्यान रखें, बल्कि कोशिश करें कि जो ऑलरेडी पैसे से पैसा बनाने की आपने कोशिश की उसका क्या हुआ, उस पर रिसर्च करिए। वर्क प्लेस पर आपके मन में एक अजीब सा मानसिक तनाव, डर या यूं कहें कि अज्ञात भय का साया रहेगा, हटाइए इस साये को, खुद पर विश्वास करिए, अपनी काबिलियत पर विश्वास करिए। दिनचर्या में, रूटीन में छोटे छोटे गोल बनाकर आप आगे बढ़िए, असावधानी को हटाइए, सावधानी बरतिए। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में सेहत को लेकर हल्की सी परेशानी रहेगी और सेहत में मानसिक तनाव और शारीरिक दोनों ही तनाव हो सकते हैं। स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, खिलाड़ी आने वाले खेल में, आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस में देने में खुद पर विश्वास रखेंगे और रिजल्ट पाएंगे। हार्ट पेशेंट और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आज कोशिश करें कि जितना मौन रहा जाए और अपने काम पर फोकस किया जाए उतना ही दिन अच्छा रहेगा। लकी कलर पर्पल नंबर 4 शुभ रहेगा। मिथुन राशि, संपत्ति खुद की हो या पैतृक हो, इस मामले को हल करने के लिए सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करवा रहे हैं चंद्रमा और खबर बना रहे हैं खुशी की। बिजनेस में आपको कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए, बल्कि जो फैसले ले चुके हैं उस पर चिंतन और मंथन करना जरूरी है। नए निवेश से आज दूरी बनाकर रखें, पैसे को सेव करके रखें, इसी में अच्छा है। वर्क प्लेस पर आपको स्वयं की जुबान और कर्मों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। कोई गुम हुई हुई फाइल या गुम हुआ हुआ हमारा आत्मविश्वास पुनः मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आकर्षण बढ़ेगा और देखने को मिलेगी आपकी परफेक्ट ड्रेसिंग सेंस और आपकी कला, आपकी स्किल, आपका चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में मीठे शब्द का रवैया बहुत भाएगा आज। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, स्टडी में और अपने काम में विश्वास रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। बीमारियां किसी को पूछ कर नहीं आती है, लेकिन आपको यह पता है कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, सावधानी शुरू करिए। लकी कलर येलो नंबर 6 शुभ है। कर्क राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, स्पिरिचुअलिटी के कर्म करने का आशीर्वाद आज चंद्रमा दे रहे हैं, बखूबी इसे अंजाम पर पहुंचाइए। बिजनेस में आपको राजनीतिक पार्टियों या षड्यंत्रकारी लोगों से, नकारात्मक लोगों से दूर रहने में ही फायदा है, लेकिन वर्क प्लेस पर आप अपने बॉस, सबॉर्डिनेट्स के साथ रहने में फायदा है। मन आज नहीं लगेगा, मन भटकेगा ज्यादा, जहां भटक रहा है वहां पहुंच जाइए ताकि वो ठीक हो जाए। आपका ध्यान पार्टनर की तरफ रहना चाहिए, अब वो लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। उच्च अधिकारियों, सबॉर्डिनेट्स के बदले हुए व्यवहार से आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज आपने जो सोच रखा है, जो प्लान बना रखा है, जो घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, रोमांचक माहौल बना रखा है या सोच रखा है, उसे अंजाम पर पहुंचाने के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी हो या ऑफलाइन हो, आप तैयारी जो भी कर रहे हैं वो बखूबी कर रहे हैं, बस इसमें थोड़ी सी कमी है जो आपको पता है, उसे ठीक कर दीजिए, लाभ मिल जाएगा। आपकी सेहत मानसिक रूप से हल्की से डगमगा सकती है, तो अपनी पुरानी जो लिस्ट है बहुत सारी लंबी, जिस पे आपने बहुत अच्छे काम किए, उसे याद करोगे तो मजा आ जाएगा। लकी कलर सिल्वर नंबर 5 शुभ रहेगा। सिंह राशि, नए संपर्क बनेंगे लेकिन पुराने संपर्कों को भूलिए मत, नए मित्र बने लेकिन पुरानों को कैसे भूल जाए, नए ग्राहक लाभ दे रहे हैं लेकिन पुराने ग्राहकों को कैसे भूल जाए, उन्हें भी याद करें। बिजनेस में कर्मचारियों के कार्य के साथ आप खुशनुमा वातावरण बनाने में मशगूल रहेंगे लेकिन बना नहीं पाएंगे, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है, आप अपना आपा खोने वाले हैं, कोई प्रोवोक करेगा लड़ाई झगड़े के लिए, आप इन सब बातों से दूर रहें। वर्क प्लेस पर किसी काम की जिद, अपनी बात को मनवाने की जिद बिगाड़ सकती है रिश्ते और काम को, आप कोशिश करें कि आप मौन रहें, जो सलाह आपसे नहीं मांग रहे आप मत दीजिए और किसी की सलाह लीजिए मत, बस धीरज, धैर्य और संयम के साथ दिन गुजारिए। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में इच्छा न होते हुए भी थोड़ा बहुत खर्चा और कर्जा बढ़ सकता है, कुछ बातें शेयर करने में झिझक हो सकती है और राज तो बिल्कुल भी न बताएं,
स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज एक उलझन में रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, क्या करें और क्या नहीं करें, आने वाला वक्त कैसा होगा, इस पर डिस्टर्ब होने के लिए आज वर्तमान को मत खोइए। वर्तमान में जो कर सकते हो करिए। चोट और दुर्घटना यात्रा के समय संभव है, अलर्ट रहें। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 2 शुभ रहेगा। कन्या राशि, चंद्रमा आज आपको छोटी या बड़ी बहन, छोटा या बड़ा भाई, मदद लेना मदद करने का सु अवसर प्रदान कर रहे हैं, चूकिएगा मत। बिजनेस में जिन भरोसेमंद लोगों की मदद की आवश्यकता होगी उनकी मदद नहीं मिल पाने के कारण हल्का सा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डगमगा सकता है। कोशिश करें कि आप ना सहयोग लें और जरूरत हो तो ही दें और अपना ध्यान जरूर रखें। वर्क प्लेस पर काम का प्रेशर ज्यादा महसूस होगा, इससे शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ सकती है। अदर करिकुलर एक्टिविटीज भाग लेकर कुछ एंटरटेनमेंट के साथ आप इसे ठीक कर पाएंगे। भागदौड़ अच्छी है लेकिन व्यर्थ की भागदौड़ बुरी है। काम में मन न लगने के कारण आपको दोस्त और कुछ ऐसे लोग याद आएंगे तो उनके पास जाइए ताकि मजा आ जाए। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में एक दूसरे का मजाक उड़ाने से बढ़िया है कि एक दूसरे के मन का साथी बना जाए, मन भेद और मतभेद दूर किए जाए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज सुधरी हुई रहेगी। सेहत का खास ख्याल रखने की जो आपने ठान ली है वो सही काम कर रही है। तली भुनी चीजों से परहेज करना चिंता से चिंतन की तरफ ले जाने में मदद करेगा। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 3 शुभ रहेगा। 6 राशि के बाद आइए बात करते हैं विशेष उपाय की। घर मंदिर होता है, घर बनाने में तो ईंट, गारा, चूरा, पत्थर और सीमेंट, बजरी का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसे मंदिर या यूं कहें कि अपना घर बनाने में परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन परिवार में ही झगड़ा, फसाद, वैर विरोध, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारी तकलीफों को इजाद कर देता है। घरेलू विवाद के कारण मानसिक और शारीरिक और आर्थिक रूप से हर प्रकार की तकलीफें आ जाती है। इसके लिए आप प्रातः काल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सूर्य को जल परिवार के सभी सदस्य अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। शिव मंदिर में जाकर महादेव को 5 कोई भी फल लीजिए, मिठाई और पंचामृत अर्पित करिए परिवार सहित। भोलेनाथ को बिल्व पत्र, मां पार्वती को लाल चुनरी अर्पित करें और इसके बाद रुद्राक्ष की माला से ओम पार्वती पतये नमः 3 माला जाप करिए। वहीं पर बैठकर जाप के बाद मन ही मन सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करें और फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके ब्राह्मण देवता को कुछ सामग्री और दक्षिणा भेंट करें। तुला राशि, चंद्रमा आज आपको जॉब आपकी क्या है वो बखूबी निभाने का जो कर्तव्य है वो बताने जा रहे हैं। अब जॉब का मतलब नौकरी नहीं है, हम कोई भी काम करते हैं वो बखूबी कैसे किया जाए वो नुस्खा सिखा रहे हैं। बिजनेस में आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा, रुका हुआ काम आ सकता है, पूरा हो सकता है। कामकाज में विस्तार की प्लानिंग आपके मन में आ रही है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो अपने स्किल को दिखा पाएंगे। IQ EQ लेवल से सूझबूझ से काम करके आपकी इज्जत और आपका रुतबा बढ़ने वाला है। ऐसे काम और जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है जो सिर्फ आप कर सकते हैं। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में गपशप, सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट भी हो सकता है, उससे बचें। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने टास्क, क्वेश्चन, आज के काम, पढ़ाई लिखाई, जो भी आपका कर्म है वो ऐसा लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा डाइवर्ट करिए, एंटरटेनमेंट का सहारा लीजिए और फिर शुरू से शुरू करिए, लाभ मिलेगा। कमर दर्द, पैरों में तकलीफ या यूं कहें लोअर बैक में तकलीफ हो सकती है, अलर्ट रहें। लकी कलर गोल्डन, नंबर 2 शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आज आपके कर्म और भाग्य को बैलेंस करके चमकाने का आशीर्वाद दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट, जमीन की खरीद फरोख्त या यूं कहें कि पैसे से पैसा बनाने का, इन्वेस्टमेंट करने का लाभ आज मिल सकता है। अपनी सूझबूझ से आप बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर आप अपने गुस्से और अपने अहंकारी रवैये पर काबू रखें वरना आगे बढ़ने के बजाय पीछे आ जाएंगे। टेंशन से मन अजीब स्थिति में जा सकता है और आपका ऑर्डर, टास्क, काम, टेंडर अटक सकता है, तो बेहतर सूझबूझ दिखाइए। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में मन में जो बात आपकी अटक और खटक रही है उसे प्रेम पूर्वक शांति से निपटाइए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए और अपने आप को अहंकारी बनाने से बचिए।
कोशिश करें कि जो ज्ञान, जो अध्ययन, जो भी आपका काम है उसे अपनी स्किल का लोहा मनवाते हुए काम करिए। आज बेहतर और एडवांस और एक्स्ट्रा काम करने का मौका मिलेगा। दो बार बेहतर आपको मान सम्मान और धन कमाने का मौका मिलेगा। आंख और कान खुले रखिएगा। सेहत में लापरवाही भारी पड़ सकती है। लकी कलर ग्रे नंबर 8 शुभ रहेंगे। धनुराशि, अनुसुलझे और अटके हुए लटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। अनसुलझे मामले सुलझ सकते हैं। बिजनेस में पैसे, या कई बार हम ब्लैक मनी और बहुत सारे ऐसी चीजें काम करते हैं जो चिंता बढ़ाती है, आज चिंतन करिए और अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना काम बिल्कुल ऑनलाइन और सही तरीके से काम फैलाइए। वर्क प्लेस पर आपकी सलाह या बातों के कारण थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ सकता है। ऑफिस में किसी बड़े आदमी से या ऑफिसर, मंत्री, बॉस, सबऑर्डिनेट से उलझने के पूरे चांसेस है, बचे। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आपके साथ पारिवारिक मामले ज्यादा संवेदनशील रहेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए दिन सामान्य से अच्छा जा सकता है, लेकिन मेहनत जमकर करनी ही होगी। गले के रोग या संक्रमित कोई भी तकलीफ आ सकती है, अलर्ट रहें। लकी कलर व्हाइट नंबर 1 शुभ रहेगा। मकर राशि, आपका जो प्रोजेक्ट है, टास्क है, एजेंडा है, काम है, उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाने में, लाभ प्राप्त करने में चंद्रमा नुस्खे इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको दे रहे हैं। बिजनेस में कंफ्यूजन के कारण कोई टेंडर हाथ से निकल सकता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, सूझबूझ से काम लें। वर्क प्लेस पर समय पर काम पर लौटना, डेडलाइन किसी भी काम में तय करना, टाइम मैनेज करना, टाइम पास वटाना बहुत शानदार रहेगा। सीनियर से डांट और फटकार पड़ सकती है। आप में स्वार्थपूर्ण भावना आ जा सकती है, अहंकारी हो सकते हैं, इससे बचना चाहिए। जो समस्या नहीं है आपकी बोली के कारण खड़ी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में कोई भी फैसला अकेले मत लीजिए, और हो सके तो आज फैसला ही मत लीजिए, और हो सके तो अपने पार्टनर की बात मानकर फैसला लीजिए, मजा आ जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स लक्ष्य प्राप्त करने में थोड़े भटकने वाले हैं, थोड़े दोस्त यार फैशन एक्टिंग में उलझने वाले हैं। कोई थेरेपी दवा आपकी चल रही तो आज आपके काम आ जाएगी। लकी कलर ब्राउन नंबर 3 शुभ रहेगा। कुंभ राशि, चंद्रमा आज आपको पुरानी, नई, आज की या कल की बीमारी से छुटकारा दिला रहे, मानसिक हो या शारीरिक हो। बिजनेस पे ऑर्डर, काम, टास्क, जो भी आपको टेंडर मिला है वो समय पर पूर्ण होने, आपके मैनेजमेंट सूझबूझ काम आने से आपके चेहरे पर चमक और मुस्कुराहट देखी जाएगी। आपके आसपास का वातावरण भी आपको बदला बदला नजर आएगा। वर्क प्लेस पर सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन शानदार बिठाने, टीम यूनिट के साथ काम करने में आपको मजा आएगा, और ये आप लीडरशिप क्वालिटी को अच्छे ढंग से जानते हैं, वो आपके अंदर आज आने वाला हुनर। काम के प्रदर्शन की तरफ ध्यान मत दीजिए, सिर्फ काम करिए, प्रदर्शन अपने आप होगा, लेकिन उच्च अधिकारी सबऑर्डिनेट से उलझना आज भारी पड़ जाएगा, दबाव थोड़ा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आ रहे अचानक बदलाव चिंताग्रस्त बढ़ा सकते हैं। चिंता छोड़िए और चिंतन कीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करने से ही परिणाम मिलेंगे। हल्की फुल्की जो टेंशन थी वो कम हो जाएगी। अगर आप सेहत का ख्याल रखेंगे तो सेहत आपका ख्याल जरूर रखेगी। लकी कलर पिंक नंबर 7 शुभ रहेगा। मीन राशि, आज आपको चंद्रमा स्टूडेंट बना रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति करवा रहे हैं और ज्ञान से लाभ भी दिलवा रहे हैं। बिजनेस में नए संपर्क होने से और नए कॉन्टैक्ट और नए लोगों से रिलेशन होने से आकस्मिक धन लाभ और अचानक से किसी कॉन्टैक्ट से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है। बेहतर नौकरी, बेहतर कारोबार, बेहतर कर्म करने के लिए जो इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज आपको चाहिए वो आज मिल रहे हैं। स्थान परिवर्तन और स्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव है। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में प्यार, इश्क, मोहब्बत, रेनबो के सातों कलर एंजॉय करने के लिए आज मन बड़ा अच्छा रहेगा। दिन रोमांटिक है। स्टूडेंट के अध्ययन में हल्का सा भटकाव आ सकता है। पैरों में, घुटनों में तकलीफ आ सकती है। अलर्ट रहें, स्ट्रेचिंग करें और आगे बढ़ें। लकी कलर ग्रीन नंबर 5 शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के मूंगफली खाने का क्या राज था। कुछ लोगों ने जवाब सही दिया, मैं डिटेल में जवाब देता हूं। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई थी तब कौरव और पांडव उस समय देश के सभी राजाओं से धर्म अधर्म के नाम पर युद्ध में शामिल होने के लिए सहायता मांग रहे थे।
कुछ राजाओं ने कौरवों का साथ दिया तो कुछ ने पांडवों का, लेकिन एक राज्य ऐसा था जो किसी के भी पक्ष में नहीं था और वह था उडुपी। आपने देखा होगा कि उडुपी रेस्टोरेंट महाराष्ट्र में बहुत है, जहां इडली डोसे और ये सब साउथ इंडियन खाना मिलता है। उडुपी के राजा भगवान श्री कृष्ण के पास गए तथा कहा कि युद्ध में करोड़ों योद्धा शामिल हो रहे, लेकिन इस दौरान उनके पास भोजन का प्रबंध कैसे होगा, बिना भोजन के तो योद्धा ज्यादा दिन तो छोड़ो दो तीन दिन में नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए आपकी आज्ञा हो तो दोनों पक्षों के भोजन की जिम्मेदारी मेरी तरफ से रहे। उडुपी राज्य इस युद्ध में शामिल होने वाले सभी लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करेगा। उडुपी के राजा की बात भगवान श्री कृष्ण को अच्छी लगी तथा उन्होंने इसकी इजाजत उनको दे दी, लेकिन राजा के सामने एक और समस्या थी कि वह हर रोज कितने लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करे, क्योंकि हर दिन कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। अगर भोजन कम रहेगा तो सैनिक भूखे रह जाएंगे तथा अगर ज्यादा रह गया तो मां अन्नपूर्णा का अपमान होगा। भगवान श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा की चिंता को समझा तथा उसका हल बताया। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध से पहले हर दिन उबले हुए मूंगफली के दाने खाऊंगा, जिस दिन जितने मूंगफली के दाने खाऊं उस दिन उतने हजार सैनिक युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। अब उसे हिसाब किताब उन्होंने लगा लिया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब और प्रश्न दोनों ही नहीं पता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं ताकि आपको पता लगे। अब आपको यह पता लगाना है कि जब हम तिलक लगाते हैं तो उस पर अक्षत यानी चावल क्यों लगाते हैं। आप इस पर रिसर्च करें, मैं इसका पूरा जवाब कल दूंगा, लेकिन आप प्रबुद्ध हमारे अच्छे दर्शक हैं, आप अभी कमेंट के माध्यम से रिसर्च करके जवाब दे सकते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सोमवार शिव और पार्वती का आशीर्वाद के साथ आपका संपन्न हो, आपके हर मनोकामना पूर्ण हो, एनर्जी के साथ दिन गुजारे, इस उम्मीद विश्वास और प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।